हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निशांत मैथमेटिक्स। और इस सेशन में हम लोग नंबर सीरीज पढ़ने वाले हैं। और आज के सेशन में हम लोग IBPS PO मेंस 2017 में जितने भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन पूछे गए थे, टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसको हम लोग इस सेशन में आज सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको वीडियो के अपडेट्स में जानकारी मिलती रहे। तो आइए बढ़ते आज के पहले क्वेश्चन पे और शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है 10.8, 9.9, 11.9, 9, 12.6 और 8.1। नंबर कभी बढ़ रहे हैं, कभी घट रहे हैं, तो इस प्रकार यहाँ पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो होगा और इसी रूल के अनुसार यहाँ पे हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे आने वाला है 0.9, यहाँ पे डिफरेंस आने वाला है 2.0, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है 11.9 माइनस 9, तो ये होगा 2.9, यहाँ पे होगा 3.6 और यहाँ पे हो जाएगा 4.5। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं क्या 3.6 और 4.5 जो है वह 9 का मल्टीपल है, 0.9 का मल्टीपल है। तो अगर 0.9 में हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो मेरा 3.6 आएगा, और 0.9 में हम अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो मेरा 4.5 आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे मेरा 27 होना चाहिए अगर इस रूल को फॉलो करें तो। तो यहाँ पे 27 आने के लिए यहाँ पे 0.9 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 0.9 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 2.9 होके 1.8 हो जाएगा, और ये 1.8 इसमें ऐड होगा, 9.9 में 1.8 होगा और यहाँ पे 11.9 ना होके 11.7 हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो 11.7 होने वाला है। और जो रूल है तो रूल इज रूल बराबर 0.9 × 2, 3, 4 and 5। इसी प्रकार डिफरेंस इसका 0.9 के मल्टीपल में है। काफी ये इजी लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन चूंकि ये मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, इसलिए काफी टफ लग रहा है हम लोग को। लेकिन हम लोग इसको इजी वे में बनाएंगे कुछ पॉसिबिलिटीज लेके। अब बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है 8, 10, 20, 50, 120 and 200। तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं सीरीज के वो काफ़ी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, एकदम से तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रूल को लेकर चलेंगे, अगर फॉलो हुआ तो हुआ, नहीं तो स्पेशल रूल डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो पहले इसका डिफरेंस निकाल लें। इसका डिफरेंस होने वाला है 2, यहाँ पे 10, यहाँ पे 30 और यहाँ पे होने वाला है 70 और यहाँ पे होने वाला है 128। अब इस 2 को हम लोग लिख सकते हैं 1 का क्यूब प्लस 1, क्योंकि हम लोग 10 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब प्लस 2। इस प्रकार हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 का क्यूब प्लस 3, इसको लिखना होगा हम लोग को 4 का क्यूब प्लस 4 और इसको लिखना होगा 5 के क्यूब प्लस 5। ये एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, हमारा जो रूल है वो 3 स्टेप में वेरीफाइड है। तो कहने का मतलब चौथा स्टेप मेरा गलत है और ये गलत होने वाला है 120, और 120 यहाँ पे होगा 68। 4 का क्यूब प्लस 4 बराबर होता है 60, 4 प्लस 4 बराबर 68 और इस 68 को हम लोग ऐड करेंगे 50 में। तो मेरा जो रिक्वायर्ड आंसर आने वाला है 118। 120 मेरा आंसर ना होके 118 मेरा रिक्वायर्ड यहाँ पे आंसर होने वाला है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 9, 5, 6, 11, 23 और 60। एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए, जब क्वेश्चन
ऐसे हो कि पहला नंबर है फिर दूसरा नंबर घट गया, पहले नंबर के बाद अगर दूसरा नंबर घट जाए और फिर बाकी के नंबर अगर बढ़ने लगे तो वहां पे 95% डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कुछ डिवाइड करके कुछ ऐड करते हैं या फिर कुछ मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, यहाँ पे उसी के अनुसार काम करेंगे। तो 9 से 5 तक जाने के लिए हमें क्या करना होगा, 9 में हमें 0.5 से मल्टीप्लाई करके उसको 4.5 लाना होगा और इस 4.5 में हमें 0.5 ऐड करना होगा, मतलब जो रूल है वो है इनटू 0.5 प्लस 0.5। और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इसमें काफ़ी सिंपल है, 1 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देंगे तो मेरा 6 हो जाएगा। अगर इसी रूल के अनुसार काम करेगा हम लोग तो यहाँ पे हमें करना होगा 6 इंटू 1 प्लस 5 प्लस 1.5, मतलब 6 में 1.5 से गुना करके उसमें 1.5 छोड़ेंगे तो यानी आने वाला है 90, मतलब 0.9.0 प्लस 1.9 बराबर 10.5। तो यहाँ पे 11 ना होके अगर 10.5 हो जाए तो क्या मेरा ये जो रूल है वो ओवरऑल सीरीज के लिए वेरीफाई होगा, तो उसको चेक करेंगे। अगर वेरीफाई हो गया तो मेरा आंसर यहाँ पे 10.5 आ जाएगा 11 के जगह पे। तो 10.5 में हम 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 21 प्लस 2 बराबर 23। और इसमें हमें करना होगा 23 में 2.5 से मल्टीप्लाई करके 2.5 जोड़ना होगा, तो करेंगे 23 गुना 46, 23 का आधा 11.5 और फिर 2.5, तो ये होगा 0, 6, 3, 9, 10 का 0 और ये मतलब यहाँ पे 60 मेरा आ गया, मतलब कि जो मेरा रॉन्ग जो टर्म है वो 11 है और उसकी जगह 10.5 मेरा राइट आंसर होने वाला है। तो यहाँ पे रूल क्या होगा, यहाँ पे रूल है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला टर्म, क्यों, क्योंकि जितने भी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और जो ऐड हो रहे हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के तहत बढ़ रहे हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 11, 20, 32, 60, 116 एंड 228। तो यहाँ पे नंबर्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे कुछ तेजी से बढ़े हैं, यहाँ पे एडिशन भी हो सकता है और मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। तो पहले मल्टीप्लिकेशन को लेकर चलते हैं कि 11 से 20 तक जाने के लिए हमें क्या अप्रोच लगाने होंगे। तो 11 में हम 2 से गुना करके अगर 2 घटा दें तो मेरा 20 आ जाएगा। अब इसी रूल को सबसे लास्ट वाले टर्म में अप्लाई करेंगे, तो क्या यहाँ पे ये रूल अप्लाई हो रहा है, तभी ये रूल यहाँ भी अप्लाई होगा। तो यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ भी लगभग 2 गुने के बराबर है और यहाँ भी लगभग 2 गुने के ही बराबर है, मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 ऐड होगा या फिर 2 घट के 2 ऐड होगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी हम इस रूल को अप्लाई करेंगे, तो 116 दुना 232 -2 बराबर 230, मतलब कि ये रूल फॉलो मेरा नहीं हुआ। अब दूसरा तरीका निकालेंगे इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हम यहाँ पे एक बात देख रहे हैं कि 116 में से अगर हम 2 घटा दें तो 114 आने वाला है और 114 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरा 228 हो जाएगा। मतलब एक रूल हमारा निकल के ये सामने आया कि हम -2 करके फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसमें भी हम यही काम करने की कोशिश करेंगे। इसमें से -2 करेंगे तो मेरा आने वाला है 58 और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा 116। ये रूल यहाँ भी फॉलो हुआ, यही काम इसमें भी करेंगे, -2 करेंगे तो होगा मेरा 30 और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 60। मतलब कि मेरा जो रूल है ओवरऑल सीरीज के लिए वेरीफाइड है और यही रूल ओवरऑल सीरीज में भी चलेगा। तो यहाँ पे भी हम -2 करेंगे, 9 बना देंगे -2 करके और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 18 कर देंगे, तो मेरा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो 18 आने वाला है और जो गलत टर्म्स है वो 20 है। अब बढ़ेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन पे। आज का लास्ट क्वेश्चन है 360, 354, 347, 322, 273 एंड 152। यहाँ पे 100% एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल फॉलो होने वाला है, इसके टर्म्स के बीच के हम गैप निकालेंगे। तो ये आने वाला है 6, ये आने वाला है 7, ये आने वाला है
25 ये आने वाला है, 49 और ये हो जाएगा 121। ये है 11 का स्क्वायर, ये है 7 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ पे 7 ना होके 9 होना चाहिए, और यहाँ पे 6 ना होके 4 मतलब 2 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 360 में अगर हम 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, सॉरी 360 में से अगर हम 2 का स्क्वायर अगर घटाएंगे तो मेरा यहाँ पे आंसर 354 नहीं 356 आने वाला है, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। और 356 में से अगर हम 347 घटाएंगे तो मेरा 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। इस प्रकार जो ये डिफरेंस बराबर क्या है, डिफरेंस बराबर स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 13, क्योंकि 13 से जो छोटा प्राइम नंबर होता है 11 होता है, 11 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 5 आता है, फिर 2 होता है, फिर 1 होता है। तो इसी प्रकार पहले 1 का, पहले 2 का स्क्वायर है, फिर सॉरी 3 भी प्राइम नंबर है, 3 का स्क्वायर है, फिर 5 का स्क्वायर है, फिर 7 का स्क्वायर है, फिर 11 का स्क्वायर है। इस प्रकार डिफरेंस बराबर स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर्स, जितने भी प्राइम नंबर्स बने हैं यहाँ पे डिफरेंस में उसी का स्क्वायर बराबर यहाँ पे एग्जैक्ट रूल फॉलो होने वाला है। तो इस प्रकार आज का क्वेश्चन मिसिंग नंबर सॉरी रॉन्ग नंबर सीरीज पे था। रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इसे हमें बहुत केयरफुली सॉल्व करने पड़ते हैं क्योंकि एग्जाम में काफ़ी टाइम खाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग सीखें आज के सेशन में कि रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चन को ऐसे बनाया जाए, और ये IBPS PO मेंस 2017 का क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड है। और जितने भी मेंस के एग्जामिनेशन हुए हैं 2016 से लेके 2018 के बीच में, उस सारे मेंस एग्जामिनेशन का जितने भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन बनेंगे मैं एक एक करके सेशन में करवा दूंगा। तो इस चैनल पे बने रहें, और वीडियो के अंत में आप सबसे कहना चाहूँगा कि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको वीडियो के अपडेट्स के बारे में जानकारी मिलती रहे। अगर वीडियोज़ पसंद आ रहा है उसको लाइक कर दें, जो भी डाउट्स हो रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और इसे अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दें। तो आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।